सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्लासी फ्लेवर्स को और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चने का सूप बनाने के लिए मैंने 2.5 कप चने को ओवरनाइट सोक कर लिया है। उसके बाद मैंने इनको 1.5 लीटर पानी में इनको पहले कुकर में एक विसिल दिलवाई है, उसके बाद 30 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे कुक किया है। अब इसमें 500 से 600 ml पानी बचा है इसके अंदर। अब इसमें से 1 कप चने निकाल लेंगे और पानी से सूप बना लेंगे। 1 कप चने को 1 बड़ा चम्मच पानी डालकर इस तरह से हमने पीस लिया है। अब एक कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच बटर, ये सॉल्टेड बटर है। अब इसमें डाल देंगे भुना जीरा पाउडर। अब इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। चने का पानी डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे ये चने जिनको हमने फाइनली ग्राइंड कर लिया है। अब 1-2 बार आने देंगे। चने का सूप वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और ये कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी बहुत मदद करता है। आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है और वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है। बाकी बच्चे चने से चप पराठा बना लें या फिर कबाब, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चने का सूप अच्छे से उबल चुका है और इसे अब लेमन जूस डाल के सर्व करें।